लगिए खरे निशाने चोट। आज पाजा भगवान का नाम की चोट हृदय में पड़े एक एक शब्द। रामकृष्ण परमहंस को लेके जाते थे उनके सेवक, तो ध्यान रखते थे कि गलती से कोई भी इनको राम राम ना कर ले। किसी ने गलती से भी राम राम कर लिया तो इनकी हालत बुरी हो जाएगी। इतने भाव में रहते थे, भाव समाधि में। राम बोलते ही बस चित्त द्रवीभूत हो जाता था, हृदय द्रवीभूत हो जाता था और उछलने कूदने लगते थे। सपना आता ना, तो सपना जिस समय सपने में कई बार लगता है अरे हम बड़ी मुसीबत में, हम कष्ट में, तो वो सपने के समय आपको ये थोड़ी भान होता कि हम सपना देख रहे हैं। उस समय तो ये सपना ही सच्चा लगता है, और अभी आप जागृत में हो तो आपको ये झूठा थोड़ी लगता है, ये भी सच्चा लग रहा है। मैं बैठा हूँ, आप बैठे हो यहाँ, श्री राम की सपना, ये भी सपना है। ये जागृत का स्वप्न है, वो नींद का स्वप्न था। ये सेट सब सेट हम बना के रखते हैं। ज्वेलरी सेट होना चाहिए, डायमंड सेट होना चाहिए, सोफा सेट होना चाहिए, टीवी सेट, म्यूजिक सेट, कपड़ों का भी सेट बना के रखते हैं, जूते चप्पलों का भी सेट बना के रखते हैं, और माता बहने लाली लिपस्टिक का भी सब सेट करके रखते हैं। सब सेट होते हुए भी माइंड अपसेट ही रहता है, क्योंकि जिससे चित्त सेट होता है वो अंतर्यामी परमात्मा में अपनी ट्यूनिंग तो मिला ही नहीं। ध्यान के द्वारा, सेवा के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा अपने चित्त को सेट तो किया नहीं, इसलिए अपसेट ही रहोगे। जिसके जीवन में भगवान और गुरु की भक्ति, नाम की भक्ति नहीं है, वो बाहर के सब सुख सुविधाएं होते हुए भी अपसेट ही रहेगा। भले इसी कार में जा रहा हो, भीतर से तपेगा, सुख में सुखी होगा, दुख में दुखी होगा, सुख के थप्पड़, दुख के थप्पड़, जितना सुख में सुखी होगा उतना गहरे दुख में दुखी होगा। सेट हो ना हो लेकिन भीतर से सेट होता है। जिसके जीवन में भगवान और गुरु की भक्ति है, बाहर का धन हो ना हो लेकिन आत्मधन से वो संतुष्ट है। जब राजा परीक्षित कलयुग को मारने लगे, कलयुग ने कहा अपनी महिमा गाने के लिए कि जो सतयुग में हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने से जो लाभ होता था, जो त्रेता युग में हजारों वर्षों को तप और ध्यान करने से जो लाभ होता था, द्वापर में कई सहस्त्रों वर्ष तक जो लाभ होता था, रहने दो भैया कैसे सीधे बैठ जाओ, बस हो गया। वो कलयुग में खाली एक माला सच्चे हृदय से कोई जपेगा तो जो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में जो पुण्य होता था वो कलयुग में होगा। मुझे मत मारो। तो राजा ने छोड़ दिया, तो कलयुग फिर जोर से हंसा। तो राजा ने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले ये बात तो सच्ची है, कलयुग ने कहा कि सतयुग में जो पुण्य होता था इतने इतने वर्षों से, त्रेता में जो इतना पुण्य होता था इतने वर्षों में, और द्वापर में जो इतना पुण्य होता था, वो कलयुग में केवल एक नाम की माला, एक माला अगर 108 बार भगवान का नाम सच्चे हृदय से लोगे तो उतना पुण्य तो मिलेगा, लेकिन वो मैं माला एक करने दूंगा तब ना, एक माला भी ध्यान से करने दूंगा तब ना। कलयुग का आदमी इतना चंचल होगा कि ध्यान कर ही नहीं पाएगा। माला तो कर में फिरेगी, जीभ मुंह में फिरेगी और मन तो चारों दिशाओं में भिड़ता रहेगा। माला करते करते इधर देखेंगे, माला करते करते इधर दे देंगे, माला कर रहे हैं और किसी ने थाली गिरा दी, बच्चा आ गया, बोलेंगे उसको दांत दिखाएंगे, उसको आंख दिखाएंगे, और फिर नियम पूरा होने के बाद फिर उसको पता नहीं कुछ और भी हाथ भी दिखा देंगे। तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। सुमरन की आधी घड़ी, सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट। आज पाजा भगवान का नाम की चोट हृदय में पड़े एक एक शब्द। रामकृष्ण परमहंस को लेके जाते थे उनके सेवक,
तो ध्यान रखते थे कि गलती से कोई भी इनको राम राम ना कर ले। किसी ने गलती से भी राम राम कर लिया तो इनकी हालत बुरी हो जाएगी। इतने भाव में रहते थे, भाव समाधि में। राम बोलते ही बस चित्त द्रवीभूत हो जाता था, हृदय द्रवीभूत हो जाता था और उछलने कूदने लगते थे। तो कहीं भी जाते थे तो बड़ा ध्यान रखते थे कोई इनको राम राम ना कर ले। तो भगवान का नाम जैसे हमें कोई उकसा देता है, गाली दे देता है, अपशब्द बोल देता है तो तन बदन में आग लगने लगती, उसी प्रकार हमारे मन मंदिर में, हृदय रूपी मंदिर में भी उस नाम की ज्वाला चिंगारी लग जाए ताकि जन्म जन्म के पाप ताप मिट जाए। कबीरा यह जग आई के बहुत से कीने मीत, जिन दिन बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। निश्चिंता से ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ही सोते हैं, बाकी तो हम निश्चिंता से कहां सोते हैं। जिसकी सब चिंताएं, सब दुख, सब कष्ट निवृत्त हो गए वो ही निश्चिंत है, बाकी सब भय में जी रहे हैं। जिन्होंने उस अभय को पा लिया है, अभय पद में प्राप्ति कर ली है, बाकी सब भयभीत है। कोई किसी चीज से भयभीत है, कोई किसी चीज से भयभीत है, डर लगता है। कई बार लोगों को मौत से भी डर लगता है, मौत से डर उनको ही लगता है जो निगुरे हैं, जिनके जीवन में भगवान के नाम का जप, सत्कर्म, सेवा का कर्म नहीं है, धर्म नहीं है, वो ऐसे ही जो मनमाना पशुवत जीवन जीते हैं वो ही यमदूत उसको फांस के ले जाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त डरता नहीं कि भगवान का भक्त मेरे साथ है हर घड़ी हर दम। राजा जनक शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे हैं, सपना आया उनको, राजा जनक को। शिकार खेलते 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 बहुत घोर घनघोर अंधकार उधर पहुंच गए जंगल में। क्या देखते हैं कि उनके प्राण बिल्कुल तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तड़पते तड़पते अचानक नींद खुली तो देखा, ओहो ये तो सपना था। कईयों को सपना आता ना, तो सपना जिस समय, सपने में कई बार लगता अरे हम बड़ी मुसीबत में, हम कष्ट में, तो वो सपने के समय आपको ये थोड़ी भान होता कि हम सपना देख रहे हैं। उस समय तो ये सपना ही सच्चा लगता है, और अभी आप जागृत में हो तो आपको ये झूठा थोड़ी लगता है, ये भी सच्चा लग रहा है। मैं बैठा हूँ, आप बैठे हो यहाँ श्री राम भवन में, यहाँ पे सत्संग हो रहा है बापू जी का, ये प्रोग्राम हो रहा है, ये सब लग रहा है ना आपको, लेकिन ये भी सपना, ये भी सपना है, ये जागृत का स्वप्न है, वो नींद का स्वप्न था, है ये भी स्वप्न। जैसी नींद खुली तो बोले ये तो स्वप्न था, लेकिन उस समय थोड़ी स्वप्न लग रहा था, अभी थोड़ी स्वप्न लग रहा है। जब हमेशा के लिए मौत आएगी, नींद में खो जाएंगे तब भी लगेगा, जब वास्तव में जब फिर और कहीं जगेंगे तब बोलेंगे ये तो स्वप्न था। तब तक याद रहता है जीव को, माँ के गर्भ में आता है तब भी जीव को याद रहता है, लेकिन जीव ही जन्म का झटके से जन्म होता है ना, नाभि छेदन होता है, और भय से जैसे ही बाहर आता है त्यों ही सब संस्कार पिछले जन्मों के भूल जाता है। किसी किसी को विरले विरलों को बहुत कम, जिनका आसानी से जन्म होता है उनको पिछले जन्म की बात भी याद रहती है, लेकिन संस्कार चित्त में रहते हैं कई जन्मों के, बातें याद हो ना हो लेकिन संस्कार रहते हैं। तो राजा जनक को लगा कि वो सच्चा था कि ये सच्चा था, ये सत्य है कि वो सत्य है। लोगों से प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा की, लेकिन किसी ने संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने मुनादी करवा दी कि जो भी इन प्रश्नों के उत्तर देखा उसको बहुत इनाम दिया जाएगा, लेकिन असत्य और सही प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। कई ऐसे विद्वान आए, उनको जेल में डाल दिया, लेकिन ये बात राजा अष्टावक्र के पिता थे उन तक पहुंची, तो अष्टावक्र पिता के जो पिता थे उनको जवाब देने के लिए आए, लेकिन जवाब पूरा नहीं मिला तो उनको भी जेल में डाल दिया। तो अष्टावक्र जिनके शरीर में 8 कोड थे वो गए,
और उन्होंने कहा कि राजन अपने प्रश्न क्या है आपको। तो उन्होंने प्रश्न दोहराया कि राजन मुनि मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया, उस समय मुझे स्वप्न में वो चीज सच्ची लग रही थी और जब नींद खुली तो ये चीज सच्ची लग रही है। उस समय दुख था और नींद खुलते ही दुख निवृत्त हो गया, फिर सुख की उत्पत्ति हुई, तो सुख सच्चा कि दुख सच्चा। तब अष्टावक्र ने कहा कि राजन जिस समय स्वप्न देख रहे थे स्वप्न ही सच्चा लग रहा था तुम्हें, अब जागृत में ये जागृत ही तुम्हें सच्चा लग रहा है, वास्तव में न तो ये सत्य है न वो सत्य है, लेकिन जिसने स्वप्न देखा और जिसने सपने के दुख को देखा और जागने के बाद जिसने सुख देखा, सुख जागृत के सुख को देखा, उन दोनों को जो देख रहा है वास्तव में चेतन स्वरूप आत्मा वो सच्चा है, बाकी ना वो सपना सत्ता है न जागृत का। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं जब तक मूर्छा है तब तक असत्य ही है, अपने वास्तविक स्वरूप में तो जागे नहीं, इसलिए वही सच्चा लग रहा है। हमें भी जो परिवार में पैदा हुए हैं, जो बच्चे बाल बच्चे नाते रिश्ते नाते शरीर से जितने भी संबंध बंधे हुए हैं वही सच्चे लगते हैं। हमने मान्यताओं के रिश्ते बनाए हुए हैं वो सच्चे लगते हैं, फिर उसी में हम रसते रहते हैं, उसी में पसते रहते हैं, उसी में तरह तरह के मान, तरह तरह के अपमान, तरह तरह की चोट, सुख की दुख के हिलोरे खाते खाते पूरा जीवन पूरा कर देते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, शादी तो इतने में करनी पड़ेगी, खर्च तो इतना करना ही पड़ेगा, चाहे लोन लो चाहे उधार लो, दिखावा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या कहेंगे लोग। बाहर से अप टू डेट रहकर जीना चाहते हैं, भीतर भले कुछ भी हो लेकिन बाहर से अच्छे दिखना चाहिए। बाहर से आप अच्छे बनो अच्छी बात है, लेकिन भीतर से भी अच्छे रहना चाहिए। घर में हम सब कुछ सेट करके रखना चाहते हैं, दुकान सेट हो, मकान सेट हो, बच्चे सेट हो, पति सेट हो, पत्नी सेट हो, सब सब अप टू डेट सेट करके रखना चाहते हैं। घर में डायमंड सेट है, ज्वेलरी सेट है, सोफा सेट है, म्यूजिक सेट होना चाहिए, कलर टीवी सेट होना चाहिए, और टीवी तो बोले फ्लैट होना चाहिए, थिएटर टीवी होना चाहिए, तरह तरह के ये सेट सब सेट हम बना के रखते हैं। ज्वेलरी सेट होना चाहिए, डायमंड सेट होना चाहिए, सोफा सेट होना चाहिए, टीवी सेट, म्यूजिक सेट, कपड़ों का भी सेट बना के रखते हैं, जूते चप्पलों का भी सेट बना के रखते हैं, और माता बहने लाली लिपस्टिक का भी सेट रखती है, कब कौन सा कपड़ा मैचिंग पहनते उसी तरह की लिपस्टिक लगाएंगे, लाली लगाएंगे, सब सेट लगा के रखते हैं, सब सेट करके रखते हैं, सब सेट होते हुए भी माइंड अपसेट ही रहता है, क्योंकि जिससे चित्त सेट होता है वो अंतर्यामी परमात्मा में अपनी ट्यूनिंग तो मिला ही नहीं। ध्यान के द्वारा, सेवा के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा अपने चित्त को सेट तो किया नहीं, इसलिए अपसेट ही रहोगे। जिसके जीवन में भगवान और गुरु की भक्ति, नाम की भक्ति नहीं है, वो बाहर के सब सुख सुविधाएं होते हुए भी अपसेट ही रहेगा, भले इसी कार में जा रहा हो, भीतर से तपेगा, सुख में सुखी होगा, दुख में दुखी होगा, सुख के थप्पड़ दुख के थप्पड़, जितना सुख में सुखी होगा उतना गहरे दुख में दुखी होगा। और जो सत्संगी है, गुरु की शिक्षा दीक्षा जिसके जीवन में है, वो तो भैया कहेगा कि कोई बात नहीं, रुखी भली सुखी भड़ी, रुखी भली सुखी भड़ी, सारी से संसार जो चाहेगा चूपड़ी बहुत खाएगा मार, जो मिला ठीक है, उसमें आत्म संतोष धन करके भाई ठीक है, बाहर से थोड़ा बहुत कर कसर करके गुजारा कर भी लेता है, लेकिन भीतर से सेट रहता है। बाहर से सेट हो ना हो लेकिन भीतर से सेट होता है। जिसके जीवन में भगवान और गुरु की भक्ति है, बाहर का धन हो ना हो लेकिन आत्म धन से वो संतुष्ट रहता है। लेकिन जिसके जीवन में वो प्रेमा भक्ति का प्रसाद नहीं है, सदगुरु की शिक्षा दीक्षा नहीं है, बाहर का आपके आगे बड़े बड़े दिग्गज, क्योंकि आपके पास जो है वही का वही दूसरे के पास आपसे ज्यादा भी हो सकता है। साइकिल है, पैदल वाला सोचता साइकिल मिल जाए, साइकिल वाला सोचता कि साइकिल से तो गुजारा क्या है, साइकिल कुछ बाइक वाइक हो, मोटरसाइकिल हो तो अच्छी है, उसकी बाइक की इच्छा है, बाइक का सपना देख रहा है, और बाइक है जिसके पास, बोले कि अपने पास कार हो तो अच्छी बात है, दो पैर में तो खूब बहुत घूम ली, चार पैर वाली गाड़ी में घूमो, चलो चार पैर वाली जिसके पास गाड़ी उससे पूछो, अरे बोले अपने पास तो 800 है, बड़ी शर्म आती है, 800 तो सबसे नीचे वाली गाड़ी है, उससे कुछ बड़ी हो
बोले अल्टो ले लेते हैं। अल्टो वाला बोलता अल्टो क्या लेना, सेंट्रो ले लेते। तो सेंट्रो वाला सोचता कि भाई सिटी होंडा हो तो बहुत अच्छी बात है। सिटी होंडा वाला बोलता है कि ओडी गाड़ी हो तो बहुत अच्छा, ओडी बहुत महंगी गाड़ी। ओडी वाला सोचता है ओडी तो सबके पास है, अपन मर्सिडी ले लो, वो तो किसी किसी के पास होती है। और जो मर्सिडी में घूम रहा है वो सोचता है क्या मर्सिडी में घूमना, अपने पास कोई अपना चार्टर हो तो अच्छी बात है। और चार्टर वाला सोचता चार्टर की क्या वैल्यू आजकल, चार्टर तो कोई भी ले लेता है। अपना हवाई जहाज हो तो अच्छी बात है, और हवाई जहाज भी तो डिजायर डिजायर एंड डिजायर, च्वाइस ख्वाइस इंसान की बढ़ती जाती है। ये चाह ये चाह ये चाह चाह रखो, लेकिन भीतर से भी चाह ईश्वर की होना चाहिए। ये जगत पसारा संसार की जो भी चीजें हैं वो एक इच्छा मात्र है। जो भी चीजें दिख रही है वो इच्छाओं का ही सारा बवंडर है। और आया एक तूफान कल परसों तो हवाई जहाज को भी उड़ा ले गया, साइकिल को भी उड़ा के ले गया, मोटरसाइकिल को भी उड़ा दिया, 800 भी उड़ी, मर्सिडीज भी, हवाई जहाज भी उड़ा लिया, सबको एकत्रित कर दिया। पता है तुमको सुमानी आया जापान के अंदर, देखा होगा टीवी पे, तो सब चीजें धरी की धरी रह गई, विज्ञानों की बुद्धि वहीं रह गई। तो ऐसे ही भगवान का झटका लगता है ना किसी को तो सब धरा का धरा रह जाता है। इसलिए भीतर से समत्व रूपी योग जो गीता में भगवान ने कहा है, सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, सुख में भी मत बहिए दुख में भी मत बहिए, बीच में रहिए आप, सुख में सुखी नहीं दुख में दुखी नहीं, दोनों के साक्षी। एक समता के धनी सेठ जी थे, घर में 9 लाख रुपए का हार था। वो कहीं चोरी हो गया तो नौकरानी दौड़ते दौड़ते आई, सेठ जी वो 9 रखा हार था ना वो चोरी हो गया। तो सेठ जी ने कहा सुठो थी हो भलो थी हो, मतलब सिंधी में सुठो भले, बोले अच्छा हुआ भला हुआ। सेठ नौकरानी सोचा कोई चित्त में कोई विक्षेप नहीं, कोई सिकन भी नहीं, अरे 9 लाख रुपए का हार, गुम गया तो गुम गया, अपना क्या गया, आए थे खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ। बापूजी बताते ना एक महाराज जी के आश्रम में चोर घुस गए चोरी करने के लिए और पूरा माल वाल ले लिया। बोले धन कहाँ है बताओ, बोले ये पड़ा है ले जाओ, वो पोटली उटली और कहाँ है और बताओ, बोले इतना ही है बस ये है सब ले जाओ। तो बोले और कुछ हो तो उसने अपने कपड़े भी उतार दिए, ये भी ले जाओ, लंगोटी पे जाके टिल्ले पे खड़े हो गए और बोले अब भी नफे में, अब भी नफे में, अब भी नफे में, अब भी नफे में। चोर उधर दौड़े बोले यहाँ माल गड़ा होगा जब यहाँ नाच रहे हो तो, बोले नहीं है खोद लो यहाँ, यहाँ भी कुछ नहीं है, हम तो अब भी नफे में। बोले क्या नफे में हो, बोले देखो भाई आए थे तो हम ये लंगोटी भी हाथ साथ में नहीं थी, निर्वस्त्र आए थे, लेकिन अभी तुमने लंगोटी भी नहीं छीनी, वस्त्र तो छीन लिए सब ले लिया, अभी नफे में हूं कि नहीं हूं। उन्होंने कहा ये तो महापुरुष है संत पुरुष है, छोड़ के भाग गए। तो हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, वर्तमान में जीना सीखें, जो प्रेजेंट है। वर्तमान को खराब करते हैं। एक सेठ ने न्योता दिया किसी को, संत को, कि आप हमारे घर पधारिए भोजन ग्रहण कीजिए। संत आए, नौकर ने भोजन तो बनाया लेकिन उसमें नमक कम डाला, थोड़ी मिर्च ज्यादा डाल दी, भोजन बिगाड़ दिया। नौकर को लगाई चढ़ा, खूब डांट, बेवकूफ नलायक बदतमीज, खाना बनाना नहीं आता, ऐसा खाना बनाया, ऐसा खाना बनाया, खूब डांटा उसको, पूरा खाना खराब कर दिया। उनसे कहा महाराज आप कल पुनः पधारिए। दूसरे दिन फिर उसको डांट चढ़ाई तो भोजन बहुत अच्छा बना, नमक भी बराबर, मिर्च भी बराबर, ये बोले खाया तो मेरे भोजन तो बहुत अच्छा बना। फिर बोला इधर नालायक बदतमीज, जब आज तो इतना अच्छा भोजन तूने बनाया, आज बना सकता था तो कल का भोजन क्यों बिगाड़ा तूने, तो अब आज को भी खराब कर दिया। फिर बापू बोले एक सेठ जी गए और कड़ी खिचड़ी खा रहे थे, रो भी रहे थे। बोले क्यों रो रहे हो, क्यों खा रहे हो, खाते खाते रो क्यों रहे हो, कड़ी अच्छी नहीं बनी, अहमदाबाद में कड़ी खिचड़ी मिलती है। तो बोले नहीं नहीं कड़ी खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है, तो फिर रो क्यों रहे हो, नमक, बोले नमक भी अच्छा, मिर्च ज्यादा है क्या, बोले नहीं मिर्च भी बहुत अच्छी है, तो फिर क्यों रो रहे हो।
बोले मेरे को मुन्ने की माँ की याद आ रही है। बोले क्यों? बोले वो मर गई, वो भी ऐसी कड़ी खिचड़ी बनाती थी। वो मर गई तो मर गई, उसको याद करके तू ये खिचड़ी क्यों बिगाड़ रहा है, खा ले। एक पतिदेव आए घर में, बीवी का दबदबा था घर में, जो भी बनाए डांट के पूछती थी, कैसी बनी सब्जी? ठीक बनी देवी, बहुत बढ़िया। अच्छा नमक ठीक है? बोले हाँ, हम नमक तो इतना डाला था, मिर्च तो इतनी डाली और कंकर भी साफ नहीं किए, कंकर भी खाए तकरस दांत में। बीवी का डर, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, सब्जी अच्छी नहीं बनी? बोले अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। दाल अच्छी नहीं बनी? बोले बहुत अच्छी बनी। तो ये रो क्यों रहे हो, आंखों में पानी काहे का आ रहा? बोले देवी ये खुशी के आंसू है। तो बोले दो चम्मच और दूं? बोले नहीं, अधिक खुशी सहन नहीं होगी। तो भूत और भविष्य में नहीं, वर्तमान में जीना सीखें। जो जीवन में सुख के क्षण आए वो चले गए, जो दुख आए वो चले गए। कल किसी ने देखा नहीं है, आज हम हैं कल का पता नहीं है, तो कल का चिंतन क्यों? और जो कल गया उसका भूत का चिंतन क्यों, भविष्य का चिंतन क्यों? वर्तमान के क्षणों को सुधारो तो आपका भूत तो जो गया वो गया, भविष्य भी आपका अच्छा हो जाएगा। भूत कभी भी भूत होके नहीं आता और भविष्य कभी भविष्य होके नहीं आता, वर्तमान से ही भूत और भविष्य बनते हैं। वर्तमान आपका बढ़िया है तो आपका भविष्य भी बढ़िया है, वर्तमान अगर आपका खराब तो भूत भी खराब था तब वर्तमान खराब है, भूत भी खराब वर्तमान भी खराब। भूत क्या, जो भूत हो गया, कहते ना भूत, भूत क्या होता है, जो बीत गया वो भूत। बोले जो मर गया वो कभी प्रकट हो जाता वो भी भूत होता है, कोई भूत नहीं होता। तुम जीते जी भूत से डर रहे हो, तुम जिंदा हो और तुम भूत से डर रहे हो, नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करें, यही विनती करें कि हे प्रभु, रसना पे अगर नाम रहे तो बस तेरा, मन मंदिर में ध्यान रहे तो तेरा, कोई और ध्यान रहे ना रहे, दिन रैन प्रभु तेरा ध्यान रहे, कोई और ध्यान रहे ना रहे। अभिमान हो तो ये अभिमान ना हो कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, नहीं, सब उसका दिया हुआ है। अभिमान तो सिर्फ इतना हो कि मेरे गुरु की कृपा मुझ पे है, मेरे प्रभु की कृपा मुझ पे है, ये सात्विक अभिमान है तो है कि भगवान की अनुकंपा है, ईश्वर की अनुकंपा है, मेरे सदगुरुदेव की मेरे ऊपर कृपा है, ये अभिमान हो तो हो, और अभिमान करोगे तो डूबोगे। इसलिए अभिमान हो तो सात्विक, भगवान की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए।